हेलो वेलकम बैक गाइस, यू आर वाचिंग आवर टेक सीरीज़। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस में डेफ जैम फाइट फॉर एनवाई गेम को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, वो भी हाईली कंप्रेस में। तो पहले बात तो बता दूँ, एक फाइटिंग गेम है जो बहुत ही 3D मूव्स में है और इसको आपको डाउनलोड करना होगा। मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ से डाउनलोड करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम अपनी यहाँ पे क्रोम स्क्रीन पर आ गए हैं। होम स्क्रीन पर आ जाने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने क्रोम ओपन करके रखा हुआ है और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है जिसमें फाइटिंग गेम लिखा होगा। उस लिंक को आपको ओपन कर लेना है। तो कुछ इस तरीके की लिंक आ जाएगी। एक लिंक श्रिंक का ऐड है, यहाँ पर आपको कैंसिल कर देना है कोई ऐड वगैरह को बोलता है तो। फिर यहाँ पर आपको 5 सेकेंड्स वेट करना है। यदि प्ले स्टोर वगैरह पर रीडायरेक्ट हो जाता है फिर भी आप यहीं पर आके कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। जैसे कंटिन्यू में क्लिक कर दें, फिर से कैंसिल कर दीजिए। फिर देखिए नया टैब ओपन हो गया, इसे क्लोज कर देते हैं, उसी पे वापस आ जाते हैं। देखिए अभी भी कुछ हुआ नहीं है, तो फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे हम। यहाँ पे एक और नया टैब ओपन हो गया है, अब प्ले स्टोर खोल गया। देखिए यहाँ पे हमने इसको प्ले स्टोर पर उठा दिया। वापस उसी पेज पे आके टैब को क्लोज कर देते हैं। फिर ये देखिए फ्री रोम्स का एक पेज आ गया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको दिखे नहीं इसलिए क्योंकि बहुत ही छोटे अक्षर हैं। देखिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के गेम्स आ जाएंगे बहुत सारे। तो आपको अभी मैं बता दूँगा, एक गेम ढूँढना है आपको। मैं आपको बता दूँगा कि कितने कहाँ पर है गेम। देखिए स्क्रॉल डाउन करते जाइए। देखिए गेम आ गया है, ये वाला डेफ जैम फाइट फॉर एनवाई द टेक ओवर। ये फाइल पे आपको क्या है क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो स्क्रीन में सबसे नीचे यहाँ पे लिख के आएगा डाउनलोड इन 10 सेकेंड्स 8 सेकेंड। इसकी साइज़ ओनली 478 MB है, करीब 450 MB के आसपास का है, इसलिए मैंने टाइटल डाला था 450 MB का। तो अब देखिए यहाँ पे डाउनलोडिंग ख़त्म हो गई, काउंटिंग, और फिर यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देना आपको। आप जैसे डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपका जो फाइल डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब चलिए मैंने आपसे एक ZArchiver नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर हमने ZArchiver एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी है। अब ये एकदम फाइल एक्सप्लोरर की तरह है, फाइल मैनेजर की तरह। तो आपने यहाँ पर अपना डाउनलोड को फाइंड कर लेना, आपने कहाँ किया है। मैंने UC डाउनलोड्स में किया है। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ को 3 फाइल दिख जाएंगी, नीचे की तरफ 3 फाइलें हैं, बीच में एक zip फाइल है। उससे ये जो ऊपर वाली फाइल है ISO वाली, और नीचे STM फाइल है वो भी निकली है। तो अब जो बीच वाली फाइल है डेफ जैम, उस पर आपको क्या है एक क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर एक क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक कर देंगे तुरंत ही आपकी एक प्रोसेसिंग यानी एक्सट्रैक्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और एक ISO और एक STM उसके आ जाएगा। तो हम फिलहाल अभी देख लेंगे कि इस zip फाइल के अंदर क्या चीज़ है। व्यू पे क्लिक करके देख लेते हैं। देखिए इसके अंदर ISO और STM है। तो मैंने इसको बाहर एक्सट्रैक्ट मूव करके रखा हुआ है, तो ISO और STM आ रहा है। अब आपको एक PPSSPP एमुलेटर को डाउनलोड कर लेना है और उसे ओपन कर लेना है। तो देख लीजिए हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है और आपको देखिए सामने गेम आपको दिख रहा है। लेकिन अभी गेम्स में जाकर मैं दिखा देता हूँ किधर है। देखिए मैंने UC डाउनलोड्स में किया था, तो ओपन कर लेते हैं और सिंपल आपका आइकन आ चुका है यहाँ पे गेम का, और ओपन कर लेते हैं इसे। तो फ़िलहाल ये लोडिंग बहुत ज़्यादा ही लेगा गेम। तो फ़िलहाल अभी देखते हैं, थोड़ा सा वर्क तो 100% करेगा, 100% वर्किंग है ये फ़ाइल। अभी फ़िलहाल हम इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं। और जो मैंने बटन्स लगाए हैं, आपके कुछ बटन्स चेंज होंगे, तो आप यहाँ कंट्रोल्स में जाके एडिट टच कंट्रोल लेआउट में, यहाँ से आप इसका मूव, रिसाइज, बटन्स को गायब वगैरह हाइड कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इस तरीके के बटन्स लगाए हैं, आप भी बिल्कुल इस तरीके के ही लगाएँ, क्योंकि ये बटन्स इस गेम के लिए इस तरीके के अच्छे रहते हैं, यानी इस पोजीशन में आप बटन्स को खेल सकते हैं। सेटिंग्स देख लीजिए, इसके बफर रेंडिंग, फ्रेम स्किपिंग, 1 पर है, बाकी सेटिंग वही रहेगी, बस ये हाई पे कर देना है आपको, बाकी यहाँ की वही सेम है। और ये शो FPS काउंटर है, वो नन पे कर देना, ठीक है। नन जैसी कर देंगे फिर आपको गेम को स्टार्ट कर लेना है। देखिए गेम आपका स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको पूरा गेम प्ले ज़रूर बताऊंगा, वरना आप मुझे कहेंगे कि ये फेक वीडियो है। देख लीजिए गेम स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए लोडिंग तो बहुत ज़्यादा लेगा, तो मैं आपको सीधे फाइट पर ले जाता हूँ। फिलहाल अभी देखिए हम यहाँ पे प्लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए 1 ऑफ 1, देखिए यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये NORE कैरेक्टर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा, इसकी पावर्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा है, तो इसको हम कर लेते हैं। और देखिए हमने यहाँ पर गेम प्ले को स्टार्ट कर लिया है, थोड़ा सा बस मैंने आगे कर दिया है, थोड़ी लोडिंग बहुत ज़्यादा होती है। और आप देखें तो एकदम 3D फाइट है और बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा इस गेम को प्ले करने में। ज़रूर डाउनलोड करें। और देखिए यहाँ पे इसकी फिनिशिंग मूव है, बहुत ही ज़्यादा ही कमाल का इसमें ग्राफिक्स भी हैं। दोस्तों आपको ज़रूर गेम पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।